Hi friends, this is Saksham Gupta and today we will be covering one of the exclusive topic of JEE Mains, that is optical instrument. And this is my first video, so I'll hope that you will forgive any of the thing that goes wrong. So let's get straight into the topic. We will be covering first in this lecture, simple microscope. Fine friends, simple microscope. These are some of the questions which are having JEE Mains, and these are exclusively, these are not included in JEE Advanced syllabus. So it's very necessary that we are acquainted with these topics. क्योंकि यार अगर ये आ जाते हैं आपके JEE Mains syllabus में और आपने नहीं पढ़े हैं तो बहुत इजी मार्क्स होते हैं और आपने बिल्कुल जाने नहीं देने हैं, तो ये बहुत छोटी सी इनकी थ्योरी होती है, हम इनको जल्दी कवर करेंगे. बिफोर कमिंग टू थ्योरी, पहले हम ये जान लेते हैं कि यार इसकी नीड क्या है, वाई डू वी नीड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, सिंपल सी रीजन है, पर एक प्रॉब्लम है ना हमारे पास, उसी का हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज कि यार अगर हमारे पास सपोज ये हमारी आँख है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमें कोई भी चीज़ कब दिखती है, हमें कोई भी चीज़ तब दिखती है जब वो एक कंसिडरेबल एंगल थीटा फॉर्म करती है हमारी आँख पर. ठीक है, फाइन. सेकेंडली, ये कंडीशन नंबर वन है. कंडीशन नंबर टू हमारे पास ये है कि कोई भी चीज़ हमें तब दिखती है जब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज़्यादा दूर रखी हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, अगर आप उसको बहुत ही क्लोज ले जाएंगे तो आपके आँख पर स्ट्रेन पड़ते हैं, आपने काफ़ी बार नोट किया होगा. हाँ, तो ये नॉर्मल डिस्टेंस क्या होती है, 25 सेंटीमीटर्स होती है. नॉर्मल डिस्टेंस से मेरा मतलब है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जिनकी आंखें सही हैं, जिनको हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट आर दोस, बट ये हमें समझ आनी चाहिए. तो क्या कंडीशन समझ आई, यार एक कंफर्टेबल एंगल बनना चाहिए थीटा हमारी आंख पर, सेकेंडली ये डी होना चाहिए ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ये बात हमें समझ आती है. तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो इससे बोल तो रहा है प्रॉब्लम कहाँ आती है. प्रॉब्लम अराइजेस लाइक this is your eye and for example an object is very small in size, so it's not casting a considerable theta angle, so it's difficult to be observed. तो आपके पास एक सॉल्यूशन हो सकता है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं ना, हम इस ऑब्जेक्ट को पास ले आए, पास ले आएंगे तो यही ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा, तो ये जो एंगल ये बड़ा हो गया. दिस इज एक्सट्रीमली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, बट इसमें एक फ्लॉ है. फ्लॉ क्या है कि आप इसको पास तो ले आओगे, बट हो सकता है आपको एक कंसिडरेबल एंगल के लिए इतना पास लाना पड़े जो कि डी से कम हो जाए. सेकेंड कंडीशन हमारी वहाँ पे फेल हो सकती है. तो ये अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप. नाउ व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, सी माय फ्रेंड्स, इट्स नथिंग बट जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस. आप कॉन्वेक्स लेंस होता है उसी का बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप. इसमें हमारा क्या होता है, सपोज हमारा डी है, पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि एंगल नहीं बन रहा था, और एंगल बन भी रहा था वो पास ला के बन रहा था जो कि डी से कम था. तो इसमें क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को तो पास लेके आते हैं, हमने डी से पास लिया, हमने यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो एक एंगल हमारे पास अब बन रहा है, लेट दिस एंगल बी फाइन. बट द थिंग इज कि आपको क्या पेयर होगा, आपको क्या पेयर होता है, इसको जब हम बैक प्रोजेक्ट करते हैं, व्यूअर को जिसकी आंख यहाँ पर है उसको इमेज यहाँ पर दिखती है और क्लियरली विजिबल है कि दिस वी डिस्टेंस इज लार्जर देन डी. तो अब आप देखो इसका सॉल्यूशन दे दिया है हमको, हमारा कंसिडरेबल एंगल एक फाई आ चुकी क्योंकि हम इसको पास ले आए थे, एंड सेकेंडली क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्जर्वर को इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है जो कि डी से दूर है, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. सो दिस इज हाउ इट रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो ये तो इसका थ्योरी वाला पोर्शन हो गया, ये काफी सिंपल है. इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन वो मैग्नीफिकेशन की पूछता है, मैग्नीफिकेशन की. नाउ व्हाट्स मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन सिंपली लाइक हाउ मेनी टाइम्स हैव द ऑब्जेक्ट बीन एनलार्ज्ड, और मतलब हमें कितना फायदा हुआ इसका, इसका कैलकुलेशन मैग्नीफिकेशन कहलाता है. सो व्हाट वी कैन राइट थ्योरेटिकली, व्हाट्स मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इज विजुअल एंगल, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट upon visual angle without instrument. With instrument आपको समझ आता है ये वाला एंगल, ये एंगल फाई है. ये विदाउट की हम बात कर रहे हैं, विदाउट इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट में आप क्या एक एंगल बना सकते हो, लेट यहाँ पे आपकी एक आई है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज लेट इट साइड बी एच, क्योंकि एच आई का हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ये डिस्टेंस हमारी यू थी, तो आप इसको मैक्सिमम कितना क्लोज ला सकते थे फॉर इट टू बी विजिबल, डी.
उस टाइम पर लेट करते हैं, हमारा एंगल बन रहा था थीटा नॉट, तो उस टाइम पर हमारा टैन थीटा नॉट कितना था, उस टाइम पर हमारा टैन थीटा नॉट था एच बाई डी, तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है, हमारा मैग्नीफिकेशन हो जाएगा टैन फाई अपॉन टैन थीटा, इट कम्स आउट टू बी एच बाई यू अपॉन एच बाई डी. It should be very clear that how this formula working. H by U. Why I have written H by U as tan phi? See, in this triangle, this is H by U. Tan phi is H by U. And in this triangle, it's H by D. And this is magnification formula. So it comes out to be D by U. This is how it works. Now in this formula, आप देखोगे कि यार D तो हमारा constant है, पर U हमारा variable है. तो इस variable को हम solve कर सकते हैं. इसको वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व मतलब हम इसके केसेस आ जाते हैं कि दो केसेस आते हैं, अब हम केसेस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन. आई होप इट्स क्लियर. सो फ्रेंड्स, केस नंबर वन इज व्हेन मैग्निफिकेशन इज मिनिमम. मैग्निफिकेशन मिनिमम का मतलब क्या हुआ भैया, मैग्निफिकेशन मिनिमम मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, m equals d by u, m equals d by u था, करेक्ट है. तो इसको हमें मिनिमम करना है, ये तो कांस्टेंट है, बट हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा वेरिएबल था, मैक्सिमाइज कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ वी कैन मैक्सिमाइज इट. सी दिस इज द डिस्टेंस d एंड लेट दिस बी समवेयर फोकस एंड वी हैव टू एडजस्ट अ u. U, this is object distance. So what we will do is कि हम इसको maximize करना है U को. तो हमें पता है virtual image के लिए object जो है हमेशा focus के आगे होना चाहिए. तो भैया इसका मतलब हम maximum जो object को लेके जा सकते हैं वो हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, F तक लेके जा सकते हैं. तो U हमारा क्या हो जाएगा उस केस में, आपको समझ आ रही है ना बात, क्योंकि हम F से पीछे नहीं लेके जा सकते क्योंकि convex lens के केस में F से पीछे ले जाती है आपकी इमेज रियल बननी स्टार्ट हो जाएगी, हमें वर्चुअल इमेज चाहिए सेम साइड पर. तो हम क्या करेंगे, हम u को मैक्सिमम f लेके जा पाएंगे. सो फॉर्मूला बिकम्स m इक्वल्स d by f. आई होप दैट्स क्लियर. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आर वी गोना डू दिस वन केस. वन इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, यार हमारा u हमारा f था, तो आप एक बात नोट कर रहे हैं कि हमारा जो v होगा वो इन्फिनिटी पर होगा. और इसी केस का एक और नाम भी है, उसे कहते हैं रिलैक्स स्टेट. रिलैक्स स्टेट ऑफ आई, क्योंकि इसमें जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बन रही है, तो कोई स्ट्रेन नहीं है हमारे आईज पर उसको देखने के लिए. ठीक है, आपका केस नंबर टू क्या होता है, केस नंबर टू में भी कवर कर लेते हैं. केस टू आता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन. मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इट्स अगेन वेरी सिंपल. Let's do it over here. Again, हम यहाँ पे लिख देते हैं m equals d by u. हमें इसको maximize करना है, तो हम इसको minimize कर देते हैं. अब u को कितना minimize कर सकते हैं हम u को कुछ इस तरह minimize करेंगे कि यार हमें पता था जब हमारी focus पे object थी case number one में, तो हमारी image infinity पर थी. तो हम इसका मतलब हम जब u को पास लाएंगे lens के, तो image भी infinity से focus की तरफ बढ़ रही होगी. तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका u कुछ पर्टिकुलर होगा, लेट दिस बी पॉइंट u वेयर द योर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, जब जिस डिस्टेंस पर आपकी जो इमेज है वो यहाँ डीपर बननी स्टार्ट हो जाएगी. तो भैया इससे पास भी तो ला सकते हैं, नहीं ला सकते. इससे पास लाने पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि फिर आपकी जो इमेज है वो डी से अंदर शिफ्ट हो जाएगी. और अगर वो इमेज आपकी डी से अंदर शिफ्ट हो गई, डी से अंदर फॉर्म होनी शुरू हो गई, तो द प्रॉब्लम इज कि फिर तो वही बेसिक कंडीशन ही हमारी होल्ड नहीं करेगी. हमारी बेसिक कंडीशन क्या थी, इमेज शुड बी बियॉन्ड डी फॉर इट टू बी विजिबल क्लियरली. तो हाँ, तो भैया हमें समझ आ गया कि हमारा वी डी होना चाहिए, दिस इज इमेज डिस्टेंस, हमारा वी डी होना चाहिए. और क्योंकि हमें यू की कैलकुलेशन करनी है, हमें यू नहीं पता है क्या है, और हमें फॉर्मूले में यू ही बिठाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला पता है 1/v - 1/u = 1/f. फाइन माय फ्रेंड्स, नाउ दिस डी इज -1/d + 1/u. Because this will be negative, I'm taking the modulus values and I have to get the magnification.
equals 1 by a. So 1 by u equals 1 by a plus 1 by d. So u equals fd upon f plus d. Fine friends. So what our magnification becomes? Our magnification becomes d upon, in this formula, fd upon f plus d. It comes out to 1 plus d by f. These were the two cases. अब क्वेश्चन जितनी भी आते हैं आपको थ्योरी क्लियर होने चाहिए, आपको ये तो केसेस आने चाहिए, आपको मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूलास पता होने चाहिए. इट्स गुड कि हमने इनको ड्राइव कर लिया, बट इट्स ओवरऑल गुड कि अगर हम इनको याद कर लें, इनफैक्ट रट लें, क्योंकि यार डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे और आगे टिक मार के आगे बढ़ेंगे. इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना. सो थैंक यू. दिस वाज सक्षम गुप्ता.